तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप के सब कुछ बढ़िया है। और ये जो ड्राइंग कर रहा हूँ मैं, वो आज थर्ड पार्ट है। तो कहाँ क्या करेंगे आज बताते हैं। तो माथे का जो फूल होता है वो तो कॉम्प्लीट नहीं हुआ था आज, वो थोड़ा हाईलाइट करेंगे, डिटेलिंग डालेंगे और पीठ का पोर्शन करेंगे। ठीक है, ब्लाउज और साड़ी का पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा जल्दी। और ये जल्दी स्टार्ट करते हैं, नहीं तो बहुत दिन, मुझे पता है बहुत दिन हो गया है और दो संडे मिस कर गया मैं। मतलब इतना दिमाग का दही हो गया था। मतलब आप समझ सकते हो कि आर्टिस्ट का एक मूड होता है, अगर वो मूड नहीं हुआ ना वो खराब ही होगा ड्राइंग। ठीक है, तो ड्राइंग हो वो एडिटिंग हो जो भी हो, ठीक है। तो चलो पहले हम लोग ब्लैक वो पोर्शन है जो वो पहले करते हैं, मतलब डार्क पोर्शन पहले हाईलाइट देते हैं, उसके बाद ब्लेंड करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं ग्राफाइट पेंसिल से यूज़ कर रहा हूँ, और जहाँ पे डार्क है, मतलब ये जो बॉर्डर का लाइन है, ठीक है, बॉर्डर के लाइन के पास जो और एक कर्व साइड टाइप सा है, तो वो पहले मैं डार्क कर रहा हूँ। और उसके बाद स्लाइड स्लाइड सा है, मतलब जहाँ पे आपको लाइट रखना है उसके थोड़ा नीचे ब्लैक कर रहा हूँ मैं, तो इसलिए आप ध्यान में रख के करना। ठीक है, अगर अब थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो चलेगा, बट ज़्यादा हो गया तो खराब दिखने वाला है आपका ड्राइंग। ठीक है, आपको पहले ही बोला था कि धीरे धीरे करके जो इरेजर है इरेज करेंगे, हाईलाइट देंगे। और मैं अभी बैटरी इरेजर यूज़ कर रहा हूँ, तो काफ़ी जल्दी होगा आपको, तो काम करने में जल्दी होगा। तो आपके पास नहीं है तो इजीली आप ऐसे ही नॉर्मल सा टोमो वोनो इरेजर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आप स्किल के ऊपर डिपेंड करेगा, और कुछ इक्विपमेंट्स तो चाहिए ही, नहीं तो स्किल होगा तो ड्राइंग हो जाएगा, बट इक्विपमेंट होगा तो थोड़ा बेहतर होगा। ठीक है, मेन मैटर करते स्किल, ठीक है आपका। और देखो धीरे धीरे करके जो माथे का जो फूल है वो कितना सुंदर लगने लग रहा है, मतलब टेक्सचर आ रहा है, समझ में आ रहा है कि वो माथे पे एक फूल है उनका। ठीक है, तो ये छोटा चीज़ अगर आप ध्यान में रखोगे तो जो लोग व्यू करेंगे, मतलब देखेंगे, वो समझेंगे हाँ ये इसका काम में डिटेलिंग है। ठीक है, अगर मेरे डिटेलिंग भी है पर भी कोई कमीशन नहीं मिला अभी तक। ठीक है, दो तीन ही मिला है, ठीक है, ज़्यादा कुछ मिला तो नहीं। कोशिश करते हैं, कोशिश करते रहते हैं, देखते हैं कब तक मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे और थोड़ा डिटेलिंग दे रहे हैं, और यहाँ पे थोड़ा मुझे लग रहा है कि थोड़ा ब्लेंडिंग करने का ज़रूरत हो गया है। तो ठीक है, फिर अभी ब्लैक पोर्शन थोड़ा कर लेते हैं, उसके बाद एक साथ ब्लेंडिंग करेंगे। तो ब्रश ब्रश सब कुछ रेडी रखना है आपको। ठीक है, वो थोड़ा अभी हाईलाइट करेंगे, ये बोलना भूल गया था। तो यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट करने का ज़रूरत यही है, क्योंकि अब आपको जो हेयर है वो शाइन करना चाहिए। ठीक है, अब लुक देना चाहिए। और मैं अभी बैटरी रीडर से कर रहा हूँ, बट आप लोग बैटरी रीडर से करना मत, टोमो रीडर से ही करना, क्योंकि हमको लाइन चाहिए सीधा। और ये थोड़ा आप अगर यूज़ करना नहीं जानते हो तो थोड़ा सा ख़राब हो सकता है आपका ड्राइंग। ठीक है, अभी चलो पीठ के पोर्शन पे करते हैं। और ये जो मैं कर रहा हूँ वो चारकोल डस्ट दे रहा हूँ। ठीक है, चारकोल डस्ट
क्यों दे रहा हूँ, चारकोल शायद, हाँ चारकोल ही है, चारकोल डस्ट दे रहा हूँ, क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है ठीक है वो थोड़ा डार्क सा है, तो जल्दी बनाने के लिए मैं चारकोल डस्ट यूज कर रहा हूँ, और इसके ऊपर थोड़ा ग्रेफाइट डस्ट भी डालूंगा। तो पहले ब्लेंड करते हैं, तो ब्लेंड करने के लिए आपको एक थोड़ा छोटा मोटा ब्रश चाहिए, ठीक है, ज़्यादा आप बड़े ब्रश तो यूज करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, जहाँ पे मैं डाला हूँ वहाँ पे थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, खोद देना है, मतलब ठोक देना है। क्यों क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसका इनका जो पीट है थोड़ा डार्क टाइप सा है, मतलब कहीं पर थोड़ा थोड़ा काला काला पोर्शन है, तो ये ध्यान में रखना है, थोड़ा हल्का सा डिटेलिंग। तो अभी क्या करेंगे, वो जो फूट रहे हैं वो करने के बाद, हमको इसको क्या करना है, फू दे के उड़ा देना है, ठीक है, फू दे के उड़ा देना है, ध्यान में रखना। उसके बाद ब्लेंडिंग करना हो स्टार्ट करना होगा, ठीक है, धीरे धीरे करके ब्लेंडिंग करना स्टार्ट करना होगा। थोड़ा अभी टेक्सचर देने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं पेंसिल, और यहाँ पे टेक्सचर इम्पोर्टेंट है। और भाई आपको अभी लग रहा है कि क्या हो रहा है, पीठ में कुछ चपका चपका सा लग रहा है, ये नहीं है भाई, इसके बाद जो ब्लेंड करने के बाद रिजल्ट जो आने वाला है ना भाई, आप मतलब आप जो करने मैं कर रहा हूँ वो आप करते रहो, ठीक है, इतना रिजल्ट अच्छा आएगा ना, मुझे बताना अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया। अगर भाई कितना खूबसूरत लगेगा, मतलब आपको सही में करना होगा, ठीक है। और देखो कि जहाँ पे डार्क फैलो को सही में रखना होगा, ठीक है, ज़्यादा करोगे तो खराब होने वाला है, ठीक है, ध्यान में रख के करना होगा आपको।
और जितना चाहे उतना धीरे धीरे हल्का हल्का से डार्क करो। देखो धीरे धीरे कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखो भाई कितना स्मूथ लग रहा है ये। Thank you.
भाई ये जो पोर्शन है जो अभी तो फीड में कुछ करने की जरूरत है आप लोग को लग रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा है भाई, इतना खूबसूरत लग रहा है मुझे तो, यही लग रहा है बस, मस्त लग रहा है मुझे। और एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही है पिक्चर में, तो पिक्चर अगर मिल जाए तो मैं दे दूंगा, नहीं मिले तो माफ़ कर लेना, ठीक है? चलो, और आज के सेशन तो कंप्लीट हुआ है, और जितना कुछ बाकी है वो तो कर दिया, पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कि क्या रहता है, ठीक है? चलो बाय, अगर अच्छा लगे तो लाइक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।